ये लो आपके घर बेटी हुई है। 12 घंटा। चीकू आपके लिए बहुत बिग सरप्राइज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए सुबह के 8:30। तो मैं, पायल, चीकू के पापा तीनों उठ चुके हैं चीकू को स्कूल भेजने के लिए। बेटा इतनी तकलीफ क्यों करी सुबह उठ के? हम भेज देते स्कूल। नहीं तुम तो भेज देते। मैंने एक चीज और सोच रहा था कि अभी जैसे 3 बच्चे और हो रहे हैं। सुबह सुबह तो मतलब अच्छा अच्छा सबको आप भेजोगे स्कूल? अच्छा नहीं मैं नहीं भेजूंगा, भेजोगे तो तुम। मैं ही कहता एक अलग सी जॉब लग जाएगी, मतलब सुबह उठ के छोटे छोटे। अच्छा ये सोचो 3-4 बच्चे स्कूल जाएंगे तो पाएगी यहाँ पे 4 लंच रखेगी, चारों में सब्जी, चारों में परांठे, और मैं बाथरूम में खड़ी होंगी, एक एक को बच्चे को खिलाऊंगी, बाहर भेजूंगी, कपड़े पहनो, चार नया टास्क है ये तो ना, 4 जोड़ी जूते। पायल तो ये कह रही है मैं एक बच्चा और करूंगी। मैं भाई कितने करेगी भाई? 5 से तो और तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं भी सोच रही हूं। आजकल ना मोदी जी की नई योजना है, अगर एक घर में एक माँ को 2 बच्चे हुए ना अलग से, तो उनके पास जितने भी वो होते हैं ना राशन वाशन मिलता सरकारी, सब मोदी बंद कर देंगे। ऐसी कोई योजना नहीं आ सकती। नहीं आ सकती पक्का? 1000। मैंने सुना था ऐसे यूपी में ऐसी कोई योजना बना रहे हमारे जो वो योगी जी। हाँ अच्छा, पर होना नहीं चाहिए ऐसा। देखो एक माँ बाप को यही तो एक वो है कि कितने भी बच्चे पैदा करें। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर भी तो होना चाहिए बच्चों का कुछ। हाँ ये बात बिल्कुल सही है योगी जी की, ये बात बिल्कुल सही है। अगर माँ बाप कुछ कमाते नहीं है और बच्चे पैदा करते जाए तो फ्यूचर तो उनका 0 है। थोड़े दिन बाद ना एक नई किचन बना रहे हैं मजेदार वाली, और उसपे ना आपको रोजा नई नई डिश, ये जो दोनों मोहतरमा दिखाई दे रही है आपको, जो हम डेली खाना खाएंगे और जितनी भी डिश होती है दुनिया में जितनी भी डिश, ये पायल लड़की है ना जो ये बनाया करिए ना भाई। मैं और गोलू, गोलू भी बहुत अच्छी बच्चों की रेसिपी देती है, मतलब खतरनाक वाली। हम पहले बच्चों शुरू करेंगे बच्चों की रेसिपी, फिर जिम की रेसिपी। नहीं नहीं मैं जिम की रेसिपीज भी दूंगी, जैसे मैंने ना बताया सबको कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप क्या खाते हो, तो मैं प्री वर्कआउट मील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जिम जाने से पहले क्या खाना है, जिम जाने के बाद क्या खाना है वो, और बच्चों को इस मंथ में मैंने बच्चों के लिए ना चीज और कल नेट से निकालती हूँ, क्योंकि देखो मैं जो भी चीजें निकालती हूँ ना मैं गूगल पे सर्च करती हूँ इधर उधर से। तो पायल बच्चों के लिए मैंने पैनकेक्स निकाले हैं 8 से 9 महीने के बच्चे के लिए, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। पायल जैसे परांठे बनाती है ना ऐसे सुबह सुबह मेरी मम्मी बनाती थी, जब हम स्कूल जाते थे ना मम्मी मुझे परांठा खिला के भेजती थी हमेशा, कभी भी ना खाली पेट नहीं भेजती थी। तो मिक्की आधा चाय पी ले। सुनो ना जब आप स्कूल जाते थे तो आप क्या खा के जाते थे? मतलब हम क्या करते थे जैसे ना कई बार ना रात की रोटी बच जाती, हाँ जी, तो जब पता लगता ना रात की रोटी बच जाती तो ना मेरी मम्मी ना सुबह ना घी से सेक देती थी, नमक डालती, नमक तो नहीं डालती थी, चाहिए आपको रोटी रखी रात की भी रोटी रखी, तो मलाई होती थी मैं भी के साथ हम खा लेते थे ट्रे लेके, और स्कूल जब जाना होता था तो स्कूल के लिए ताजे पराठे पैक करते थे। तो पायल से ना एक चीज पूछती हूँ, पता नहीं पायल को पता है नहीं पता, आप बोलना मुझे पता है आपको पता है। पायल पंजाबी में नमक को क्या बोलते हैं? नून। ओहो पता है इसको, मेरी मम्मी बोलती थी ऐसे, बोलती थी नून वाला परांठा खाना है मेरे, हाँ तो मम्मी हमेशा बना के दे देती थी, पता है पायल को। हरियाणवी में बोलते नून, हमारे भी नून बोलते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी नून ही बोलते बेटा, नमक को नून ही बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात बोली मैंने, पंजाबी में नमक को नून ही बोलते हैं। आंटी है वो, तेरी उम्र की है? मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात बोली मैंने। क्या नाम? नरेंद्र। नन क्या बोल देते हो? दीदी बोल। कितनी उम्र है? मेरी 40। 40 को बोल रहे कि इनको मैं आंटी बोलती। देखो मैं ना इनको आंटी कभी नहीं बोलती पर्सनली, मैं बच्चों की आंटी बोलती हूँ ना, तो बच्चे कभी कभी गायब हो जाते हैं, सिर्फ आंटी निकल जाते हैं। तो गाइस बड़ी तकलीफ हो रही है जिम जाके ना, जैसे बड़ी दिनों बाद जिम जाओ ना तो हाथों में, बैक में, कल मैंने बैक करी ना मेरा इतना पेन हो रहा है ना, बहुत पेन हो रहा है। तो भाई पूरी नजर रखी जा रही है, ये है जैद, ये है अयान और ये है तूबा। अच्छा गोलू ने ये जो सोचा था तुमने बच्चे क्या? नहीं मैंने ना एक चीज सोची थी, बताती हूँ क्या सोचा था। तो जब मैं प्रेगनेंट थी ना तो मेरे सामने ना प्रेगनेंसी की वीडियोस आती थी, जैसे अभी मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो डाइट की आती है, तो उस टाइम पे ना मेरे सामने वीडियो आती है कि फॉरनर ना अपने बच्चों को पूरा ऐसे करके ना देखते रहते हैं, ये वो कैमरे वगैरह, तो हमने कैमरे पहले लगाए थे बट रूम में नहीं लगाए थे बच्चों के, तो ये चीज सोची नहीं थी। तो कुछ बोल रही थी? रूम में तो मैंने लगवाए थे। हाँ तूने अच्छा किया पायल, वैसे रूम में होने चाहिए हम बाहर, क्योंकि देखो हमने तीनों तरफ से ना बच्चों के ये ऊपर करे हुए हैं। ये तो तूने मंगवाया, तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, ये सस्ता मंगवाया बोलू, वैसे ही महंगा मिलता है। वैसे 9000 का था बट डिस्काउंट करके मिला 6000 का। 3000 का 5999 6000 का। मैंने क्या बोला? 3000 कम, ये तो बोला। अच्छा मुझे लगा कह रही 3000 का, मैंने 6000 का।
गुड मॉर्निंग क्यूटी पाइश, दुदू मॉर्निंग। चीकू आपके लिए बहुत बिग सरप्राइज है। क्या? वेट एंड वॉच, आई वेट। आपको दूंगी पहले चप्पल। कम आ, पकड़ो सरप्राइज है। वेट। उड़ते आओ मेरे पास, उड़ते आएगी। तूबा मैं हूँ, जल्दी आओ। भूल गया मुझे, याद आया? नहीं आ रहा याद पर, तेरे को आएगा दिन दयो। तूबा प्लीज कम। दीपाई इतना इतनी दूर से आ गया। तुबू मेरा जानू, मेरा बेटा, आजा मेरा जोना। ऐसे कर रही है, आजा ऐसे कर रही है। तूबा प्लीज कम, गुड मॉर्निंग। यार बच्चे ना सच में बोलते नहीं, जैसे हम जैसे रिश्तेदार आते हैं, यार मेरे बच्चे को तो ना ए से लेके जेड तक काउंटिंग आती है। सुनाना बेटा, सुनाइयो मम्मी। ए उसके आगे नहीं बोलते, और घर पे चाहे ए टू जेड पूरा टाइम घूम रहे हो। अब कभी तो अगले से ये राइम थी क्या? इस तुवा को लेकर बच्चों एबीसी से क्या मतलब था? वैसे बच्चे बेइज्जती करा रहे हैं ये मेरा आगे। आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। पास अगर पायल नहीं होती ना तो आपको तो मेरी बात तक पहुंचते टाइम लग जाता। मुझे खुद सरप्राइज चीकू चीकू सरप्राइज कैसा लगा आपके लिए? आपके लिए सरप्राइज लाए थे हम, कैसा लगा? तो अभी नहाएगा क्या करेगा? चीकू आजा। और मुझे बहुत अच्छा लगा चीकू, अभी पूरे 12 घंटे सोया, रात को 9 बजे सोया था और सुबह 9 बजे उठा। सरप्राइज ये लो आपके घर बेटी हुई है। पायल ब्रश करो पाई। चलो सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुनाओ जल्दी से। चलो सुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजा। बोलू ये दिमाग मत खराब करा, अगर मेरा समझ गई ड्रामे मत कर। यही रखे थे ना पहनना था, इसने ब्लॉग में लिया। जय दुटका। देख क्या आती हूँ। तो बस चीकू के कपड़े भी निकाल दिए और अयान और जैद को मैंने दोबारा से ना ब्लैंकेट डाल दिया, क्योंकि बच्चों को ना आदत है बहुत ज्यादा मूव करने की, तो दोनों ने अपना ब्लैंकेट उतार दिया था। तो अभी बस डाल के आई, उनका दरवाजा भी ढो दिया। हाँ सर्दी के तोहफे, सर्दी के गिफ्ट, इसको लेके चबा ले हो, सुबह उठे हो, नाश्ता करानी, गुगू पियानी है। तो यहाँ पे चीकू के छोले भी डल चुके हैं, बनाना भी डल चुका है, जो राइस है वो भी स्टीम में, बस राइस भी बनने वाले हैं। तो ये वाला जो राइस कुकर है ना, सबसे ज्यादा काम आता है, मतलब बहुत ज्यादा। हम लोगों ने जब से लिया है ना, तब से एवरी डे ना हम लोग इसी में राइस बनाते हैं, और सच में बहुत बढ़िया। आप लोगों के पास भी अगर राइस कुकर नहीं है ना, तो राइस कुकर लेकर देखना, बहुत ही मतलब यूजफुल चीज है। क्योंकि देखो राइस एक ऐसी चीज है वो हर किसी के घर में हर दूसरे दिन बनते हैं, हमारे यहाँ तो राइस बनते हैं। तो रात को मैंने अपने लिए ना ये वाली रेसिपी बनाई थी। तो सुबह सुबह चीकू के पापा ने बोला कि गोलू ये जो रेसिपी है ना तो अभी रख दे, अभी बिल्कुल भी मत खाइयो, जब तू उठेगी तब खाइयो। तो मैंने इसको ना रेफ्रिजरेट किया हुआ था, मतलब कि ओवरनाइट किया हुआ था। तो अभी तो चीकू को भेजने के बाद मैं सो जाऊंगी, फिर जब उठूंगी ना 11:30 तब मैं मॉर्निंग में ये डाइट लूंगी। तो चीकू नहा चुका है, चीकू के दोनों टॉवल ना बाहर सुखाने के लिए आई हूं। बाहर आकर ना कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इतनी धुंध हो रही है पीछे, इतनी धुंध दिखाती हूँ, पूरा कोहरा 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 कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। सामने वाली बिल्डिंग देखो थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, इसके पीछे तो रोड तो गाइस मुझे दिख ही नहीं रही कि रोड है कहाँ पे, सामने वाले खेत का है। कैसे बाल देखो ना चीकू, चोरे इधर करो मुंह, चोरे का मतलब पानी निकल रहा है। फटाफट आपके ड्राई कर देती हूँ, ठीक है? अभी मैं से ऐसे बैठ गई है ना साइड पे, अब सही लग रहा है? मम्मा के पास आ गई हूँ, अभी दूध पीना होगा इसको लग रही होगी भूख, क्योंकि अभी इसको भी उठे ना 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से खेल रही थी। आज मेरी फ्रेश नींद है। आज फ्रेश नींद पता है क्यों अच्छा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आप 9 बजे रात को सोए थे, सुबह 9 बजे उठे, पूरे 12 घंटे की नींद ली। अगर आप ऐसे रोज नींद लो ना तो आपको रोज फ्रेश लगेगा, रोज 12 घंटा। उसके बाल को सुखाने में ना कम से कम ना 15 मिनट लगे, 15 मिनट लगे चीकू। मम्मा आँख में अपने मेरे पूरी आँख में अपने सॉरी 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 बेटे सॉरी सॉरी गलती से मैं आपके बाल सेट करी थी ना, बहुत लंबे बाल हो गए। एक तो ये वाला जो ड्रायर है जो हम नया लेके आ रहे, बड़ा कमजोर ड्रायर है, इससे इतना टाइम लगता है। पहले वाला ड्रायर ज्यादा सही था ना चीकू? पहले वाला ड्रायर ना अच्छा था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग था ना तो जल्दी बाल सूख जाते थे, इससे बाल इतनी लेट सूखते हैं, मतलब पूरे 15 मिनट लगे। आप एक काम करना चीकू, पाल मम्मी बोल रही थी थोड़े से बाल ट्रिम करवा लेना, जैसे पीछे चोटी हो पाए, जो बेटा पापा कह रहे हैं बाल ट्रिम करवाएंगे अपनी मर्जी से वो, ठीक है? मैं पूरा कट करूंगा। नहीं वो ऐसे करके चोटी तो रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा बाल ना पीछे पीछे से वो करवाएंगे। वो ऐसे भी गंदे, जब टोपी पहनता हूँ ना मेरे को बहुत गंदे लगते हैं। चलो ठीक है, बस आपका टाइम हो गया, 9:30 हो गया, मैं सूरज चाचू को उठा के आती हूँ, और आप फटाफट हेयर बैंड पहनो, मैं आती हूँ। तो सूरज भैया की ना बात की ना दाद देनी पड़ेगी, भैया कितनी भी चाहे कितना भी लेट सोए, चाहे रात को सोए चाहे सुबह सोए, मैं बस एक आवाज देती हूँ मैं कि सूरज भैया, अगर हाँ जी मैंने कहा प्लीज चीकू को आपने स्कूल छोड़ा, क्योंकि दूसरे वाले जो भैया है ना वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो मैंने भैया कह रहे ठीक है मैं छोड़ाता हूँ,
गुड मॉर्निंग कुतु भाई, मेरा कुतु भाई उठ गया भाई। गुड मॉर्निंग कुतु भाई, अल्ले मेरे बच्चे के मुंह को कहा गया पूरा वाइटी वाइटी, देखना इसका मुंह तो देखना, ये कहा था, ये कहा था, ये तो वो लग गया पाउडर सा कुछ, नहीं दूध था ना दूध, वो लग गया होगा मुंह तो दिखाएगा। चलो जाओ चीकू, बैग उठाओ बेटा, बैग उठाओ, चलो। तू आयान के मुंह को देखना पूरा भाई तू लग गया, पूरा भाई तू, भाई तू, भाई तू ओले गिल जाएगी तू, अल्ले तू कागल लिए तू गिल जाएगी भाई। गुड मॉर्निंग आयान, मैं आ गया स्कूल से। हाँ मैं आ गया स्कूल से। चीकू तो स्कूल से आ गया भैया, आ गया चल रहा है, जाओ चलो चलो। मैं हेयर बैंड दे दो, हेयर बैंड का है, ये लो बैंड लो, चलो पंजाबी बाय 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 मम्मा, करो टाइम मत मारो, ओके स्कूल जा रहे हो, ना 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 क्या बोलो, कुछ कुछ नहीं, चलो बाय बाय, लव यू, लव यू टू। भूत मिलेगा हमें शाम को फिर से, क्यों मुझे डर लग रहा था, तेरी तेरी बात जब तक सुने, आपने बताई ना बात मुझे, डर लग रहा था। चीकू जी लग जाएगी बेटा, नहीं लगती। चीकू भाग क्यों, क्या हुआ, लेट हो रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, 7 मिनट हो गए, तुम्हें ज्यादा होते तो है, है? इतने ज्यादा तो 7 मिनट हमें निकलते निकलते हो जाएंगे यहाँ से, कैसे 7 मिनट कम होते बेटा, गर्मी कब होने वाली है, गर्मी आ जाएगी एक दो हफ्ते में, नहीं होली गए, होली होली तो मार्च में होती है, अभी तो जैन का लास्ट चल रहा है, बस कब स्टार्ट हो जाएगा, हाँ मार्च आएगा अगले महीने। मेरे को दो चीज़ दो फेस्टिवल अच्छे लगते हैं बस, दिवाली और होली, हाँ दिवाली और होली बहुत पसंद है, दिवाली में कभी कभी मेरा भी हाथ दिवाली बन जाता है, यहाँ पे बत्ती लगा के बत्ती जला के पट पट जैद भाई को लेने चले ट्यूशन से, जैद देखो क्या किया बेटा ये आपने, दिखाना ये क्या किया, अंदर फंस गया, सारा खराब कर दिया आपने, निकल नहीं रहा दीदी, क्या ढूंढ रहे इसमें, अरे फाइन नहीं रखा मेरा, इसको रख दे तेरे काम की चीज नहीं है, क्या है ये आईडी प्रूफ है, देखो हां जी कल आपकी छुट्टी है स्कूल, कैसे पता नहीं मैम को कॉल आया, क्या बोल रहे हैं, कल हॉलीडे बच्चों का, मेरा रोज हॉलीडे हो रहा है, हर एक दिन के बाद क्यों हो रहा है ऐसा, जैदू क्या खा रहे हो, ओए सोनी, सोनी चॉकलेट खाओगे, मैं दूंगा आपको चॉकलेट, खानी आपको किचु 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 किचु, थोड़ी सी आनू भाई को दे दो, ठीक है, गुंग 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 जैदू गुंग 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 गुंग, आपने बताया आप रात को उठ गए थे तो मैंने आपको सुलाया था, फिर अपने पास जैदू आप मेरे साथ सो रहे थे रात को, सोई सोई मासी के साथ कर रहे थे, जब मैं खोल के देता हूँ थोड़ी सी खा ले, ज्यादा नहीं तीखी खराब हो जाएंगी आपकी, तीखी खराब हो जाएंगी, टिकू ये तुबो के लिए बेटा टूट जाएगी बेटे, मम्मा मेरे लिए सबके लिए अच्छा, सब बच्चों के लिए, सारे बच्चे बैठ सकते हैं, देखो मुड़ी नहीं जी, हाँ तेरा पेट तो इसने झेल लिया, अच्छा सुन दिखाओ, बोलो इसको प्रैक्टिस करा दे यार, जूते को कराना था, हाँ करा दे पहले प्रैक्टिस करा दे, मम्मा आप भी बैठ सकते हो, बैठ लो पायल, तो बैठ सकती है, मैं तो बैठ सकती हूँ लेकिन प्रैक्टिस कर लो बेटा, पायल ज्यादा फर्क नहीं, तुम्हारे वेट में 7-8 किलो का फर्क होगा, नहीं नहीं पागल है क्या, 8 किलो का तो बोल, इसका 30-35 किलो है बोलू, मेरा तो ज्यादा है बहुत, 12-15-20 पागल है क्या, 48 किसने बोला, कल तो बताया 52 है, नहीं 48 है, 52 है भाई, तो गाइस मुझे याद आ गया 48 वेट केशव का, कल ना वेट का डिस्कशन कर रहे थे तो उसने बोला कि मेरा भाभी ऐसा है, हाँ याद आ गया 48 वेट हमारा मिनी ब्लॉग है उसका है, उसका तो बहुत ही कम वेट है, तो मैं इतनी बार बोलती हूँ कुछ खा लिया कर तब भी इतना पतला है, तो यहाँ पे जैद बेटा जी बैठ चुके हैं अपनी चेयर पे, ये आप सबके लिए लेके आई हूँ, दिस इज फॉर यू, बोलू ये गलत हो गया, क्या हो गया भाई, बहुत गलत हो गया, क्या हो गया, बहुत गलत हो गया, हुआ क्या, हो गया, चल मैं जा रही हूँ, जा फिर, रोक लिया तूने, बता क्या हुआ, मैं रोका ही नहीं, मेरे को हाथ पकड़ा तूने, कहाँ पकड़ा है तेरा हाथ, तो मेरा हाथ तो कैमरे है, बोला क्या हुआ, तो हुआ ये है गाइस कि चेयर जो है एक आई है, अब चारों बहन भाई में लड़ाई होगी क्योंकि चीकू भी लड़ रहा है, कह रहा है मैं बैठूंगा, आयान भी लड़ रहा है मैं बैठूंगा, तूबा कह रही है मैं बैठूंगी, और यहाँ पे जैदू कह रहा है मैं बैठूंगा, अब बैठेगा कौन, मैं सोच रही हूँ इन सबको हटा के मैं बैठ जाती हूँ, तो ये होएगा फाइनल डिसीजन कि चारों भाई बहनों की हुई लड़ाई और माँ ने किया
कुर्सी पे कब्जा। लेनी तो मेरे को चार थी, चीको के पापा को वीडियो कॉल करा, उनको मैंने पिंक चेयर दिखाई, तूबा के लिए पिंक ले रही थी, अयान और जैद के लिए लेती येलो, चीको के लिए बड़ी लेती बट थी नहीं। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे चार चेयर थी, चार में से तीन चेयर डिफेक्टिव। फिर मैं, हाँ भाई ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं एक बात बता पाल, अगर मैं इसके 325 रुपए दे रही हूँ तो मैं डिफेक्टिव चेयर क्यों लूँ? सही बात है, मैं कोई पेड़ से पैसे थोड़ी लाती हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, हार्ड मनी। यस, अयान ने उतार दिया जैद को कुर्सी से, कहेगा मेरा कब्जा है। ऐसी होएगा 10-10 मिनट सब बैठना। आपकी इसकी पुपड़ी कहाँ गई? ये गिरी पुपड़ी, ये बैल कौन बजा रहा है बार बार, देखिए जरा ये पुपड़ी पसंद आ रहा है इनको, पुपड़ी ना पुपड़ी पसंद आई बड़ी आनू आनू पुपड़ी पुपड़ी पसंद आई। टोपी कहाँ है तुम दोनों की? टोपी पहन के आओ चलो। आंटी कह रही है बच्चों की, अब कहेंगे आंटी बोल दिया, बच्चों की आंटी बोल रही है कि ना ऐसे वाले नाइट सूट और मंगा दो, सबसे कंफर्टेबल है। ठीक है मंगा दे। तो गाइस हमारे तीन ब्लॉग आते हैं दिन के, मैं तीनों ब्लॉग के कमेंट पढ़ती हूं। तो मुझे अभी रिसेंटली कमेंट आया जब मैंने बताया ना जैद के पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि ना आप ना दोबारा से अपने बच्चों को ग्राइप वाटर देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ग्राइप वाटर से कोई भी कॉलिक पेन होता है, कोई भी गैस होती है ना बच्चों को नहीं रहती। तो मैंने ग्राइप वाटर मंगवा लिया और आज की तारीख नोट कर ली है, पूरे एक महीने तक इसको यूज करना है। हाँ हमारी शांति आई, बाहर आया दिल में, तो ये ग्राइप वाटर आ गया। ठीक है शांति, बच्चों की आंटी आप भी सुन लेना, अगर मैं कभी कभी काम में बिजी होती हूँ, दिन में दो बार देने, 1-1 ml दो बार। मछली रानी बड़ी शयानी, खाती चिप्स पीती दूध। पुपड़ी छोड़ के चिप्स खा रहे? तो क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ। कौन सी? कि हमको ये बॉल नहीं गिरनी चाहिए नीचे। ठीक है चलो फिर मैं आपको देख के, दोनों करते दोनों, जो पहले करेगा तेरी बॉल तो गिर जाएगी निक्की। One, बड़ी बॉल ली है। 1-2-3 ये सपोर्टर फिर से कर, वहां दोबारा टच करो, रुको रुको रुको, 1-2-3 मैं जीता हूँ। देखो देखो कालू मदारी आया, लकड़ी की काठी काटे गोरा, क्या खा रहे हो? जैदू मलिक काटे, हाँ माई डॉल्फिन, माई बेबी, माई डॉल्फिन बेबी, कहाँ खा लिए? तू कैसे कर दे, तू कैसे कर दे, पहले तुबा खाना खा लो फिर मैं आपको उठाती हूँ। ठीक है घूमी घूमी गलेगा। तुबू कह रही थी पहले मेरे को उठाओ फिर मैं खाऊंगी, इतना रो रही थी मेरे को उठा लो उठा लो, उठा लिया अब खा ले, मैं गोदी में पकड़ के रखती हूँ, आप खाना खा लो ऐसी। ठीक है ठीक है, हाँ जी तो बोल दो, तुबू रानी बड़ी सियानी और तुबू चीकू तो मार ना दे भाई। कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों खेलते हुए, दोनों खेलते हुए इतने पाले लग ले दोनों, बाय 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 माम। कैसे खेलते हो, कैसे खेलते हो मुझे बताओ, मैं खिला देती हूँ ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों की खिचड़ी बना दी, टाइम हो गया 8:30, चीकू को भी बस सुलाने का टाइम हो गया। तो कैसे इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक चीकू ने गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्या गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय बाय गुड नाइट। चीकू का गेमिंग चैनल चीकू ने तो बना रखा है, आपको चीकू का गेमिंग चैनल सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।